Good morning. गुड मॉर्निंग। ठीक है, पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। अभी दूसरा क्लास एंड हुआ इसलिए, ठीक है, अभी पीपीटी चालू कर लेता हूँ। पेपर कैसा गया आप सबका? पेपर इजी गया ना? देखिए पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। कल का पेपर कैसा गया? इजी गया ना सब? उसके ऊपर और हम ज्यादा क्वेश्चन लेंगे। एक बार किंगडम मानेरा हो गया तो उसके ऊपर और क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, कौन कौन आया एक बार देख लेता हूँ। बच्चे ज्यादा आ गए। गुड, सभी क्लास देखने का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक याद है? लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था? किंगडम मानेरा चालू था हमारा, और किंगडम मानेरा में हमने क्या देखा था? माइक्रोब बैक्टीरिया कितने टाइप के होते वो देखा था। उसके बाद उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था हमने, किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, ये भी देखा था हमने। एक मिनट, पीपीटी चालू होने का, क्योंकि अभी एक एक क्लास हुआ है, चालू है। और उसके अंदर क्या देखे थे हम किंगडम मॉनेरा में? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मेनली हमने देखे था उसके अंदर, मतलब किंगडम मॉनेरा में मेनली हमने टू टू कैटेगरी देखे थे। कौन कौन से? एक देखा था हमने आर्की बैक्टीरिया, और एक देखा था हमने यू बैक्टीरिया। ये हमारा हो चुका था यहां तक, ठीक है। एक मिनट है सिर्फ, ये ओपन होने को टाइम लगाते हैं बस। बाकी व्हाइट बोर्ड चालू किया मैंने इधर, है ना? पढ़ाई हुई इतने दिन? हाँ, स्टार्टेड प्रतीक्षा, आरती, वेदिका, पूजा, साक्षी, प्राची, मोहन, स्नेहल, मयूरेश, हेमा, स्नेहा, करण, विक्रम सिंह। आज बच्चे कम दिख रहे हैं। एक मिनट, क्लास तो चालू हो चुका है अपना। इसके पहले रिवाइज किए क्या? पेपर कैसा गया सबका? रिप्लाई दो, कितने जनों ने पेपर दिया था? कैसा गया कल का आपका एग्जाम? समझ में आया सब कुछ? कल का पेपर कैसा रहा था? सबको समझ में आया ना? सबको रिप्लाई कीजिए, पेपर कैसा रहा था? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए बराबर आए स्टूडेंट, इसमें से कुछ नए तो नहीं है, यानी कि जिनका पहले का पाठ हुआ नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं? किंगडम मॉनेरा जहां तक पढ़ा है वहां तक सबको समझ में आ गया था?
अभी और एक क्लास था इसलिए उसका मटेरियल क्लोज करके आपका मटेरियल ओपन करना, इसके अंदर 10 मिनट लगेगा। नहीं तो ऐसा यानी कि बीच में गैप होता है तो मैं सब कुछ पहले ही चालू करके रखता हूँ, यानी कि टाइम 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। किंगडम मॉनिटर हमारा हो चुका था वहां तक। पेपर कैसा गया मैंने पूछा तो किसने रिप्लाई नहीं दिया। देखो मुझे पेपर कैसा रहा आप सबका। उधर व्हाइट बोर्ड ओपन होने को टाइम लग रहा है, पीपीटी ओपन होने को टाइम लग रहा है, तो मैंने इसलिए ऑनलाइन डायरेक्टली आगे व्हाइट बोर्ड चालू कर दिया। देखो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या क्या बोला था वो एक बार बोल देता हूँ। जो हमारा किंगडम मॉनेरा चालू था, किंगडम मॉनेरा, ठीक है, इसके अंदर हमने दो टाइप के बैक्टीरिया देखे मेनली। एक रहता अर्की बैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया जो मोस्ट प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले आया था इस अर्थ पे। अगर पहले सबसे पहले कोई आए होंगे तो यही थे, मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पहले ये आया था। पर वैसे तो हम इस किंगडम मॉनेरा कहां से आई थी बोले थे, प्रोजिनेट, प्रोजिनेट नाम के ऑर्गेनिज्म थे जो कि सभी ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर है। इनको बोलते हैं हम कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, सभी के पूर्वज, जितने भी आज अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है सभी का कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या है, प्रोजिनेट। तो अर्की बैक्टीरिया ये देखा था, और दूसरा देखा था हमने यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और अर्की बैक्टीरिया क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव होता है। तो इसके अंदर मेनली हमने ये 3 टाइप देखे थे, बट उसके बिसाइड मैं आपको और 2 टाइप बोल चुका था। कौन कौन से टाइप देखे थे हम, इसके अंदर आता है हैलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल और मिथानोजन। यहां तक मैं आपको बोल चुका था मिथानोजन। और उसके बाद यू बैक्टीरिया में हमने देखा था बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, जैसे साइनो बैक्टीरिया देखते हैं हम, ये इसी में आता है। साइनो बैक्टीरिया मतलब इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, ये बोला था मैंने आपको। तो ये चीजें याद रखने का कि अर्की बैक्टीरिया कौन है, यू बैक्टीरिया कौन है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां तक मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो चुका था हमारा, ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर यहां पर देखिए। ये फंक्शन बोले थे हम, पर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर मैंने आपको स्ट्रक्चर बोला था, आपको याद है क्या क्या डायग्राम में बोले थे हम, याद है क्या, यहां पर दिखा था और एक बार क्लियर करके। जो एक बैक्टीरियल सेल निकालकर दिखाया था मैं आपको, याद है वहां पर क्या क्या बोले थे हम। बैक्टीरिया में सबसे पहले हमने 3 लेयर निकाले थे, वो 3 लेयर निकाल लेते हैं, 3 लेयर्स, यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने दिखाया था यहां पर फ्लाजेला। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर सबको पता है ना, ये चीज हमारी हो चुकी थी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। हाँ ग्लाइकोकैलिक्स करेक्ट, बीजीए करेक्ट, सबका आ रहा रिप्लाई, अच्छी बात है। एक मिनट इधर से मैं पीपीटी एक ओपन कर लेता हूं जिसके अंदर थोड़ा डिटेल में था, ठीक है। एक मिनट दूसरी पीपीटी ओपन कर लेता हूं मैं।
तो ये देखे थे हम ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, और उसके बाद देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलते जाओ क्या क्या नाम देखे थे आपने, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर जो लिक्विड था उसको क्या बोले थे हम, अंदर जो लिक्विड रहेगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, अंदर जो था वो था साइटोप्लाज्म। बट साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया में कैसा होता है, मूवमेंट नहीं दिखाता, बहुत थिक होता है, डेंस होता है, तो इसलिए हम क्या बोले थे यहां पर, नो साइक्लोसिस। नो साइक्लोसिस मतलब क्या होता है, नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब प्रवाह, नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग जैसा देखो बारिश के अंदर पानी ज्यादा गिरने के बाद पानी का फ्लो होता है नदी में, रिवर का फ्लो होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग। और सपोज उस पानी के अंदर चिखल बहुत ज्यादा है तो वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वैसा होता है ये साइटोप्लाज्म, थिक होता है, इसलिए इसके अंदर कोई मूवमेंट ज्यादा दिखती नहीं है। फिर इसके अंदर हमने देखे थे राइबोसोम, ये इस तरीके के क्या देखे थे, राइबोसोम, और ये राइबोसोम जो होते वो होते 70S। 70S मतलब इसका टाइप है, ये राइबोसोम होते 70S, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S होता है। और इस राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इन्हें प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन तैयार करेगा, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बैक्टीरिया के अंदर, ये रहेगा इसका जेनेटिक मटेरियल, यस सर। वैसे सर्कुलर डीएनए होता है इनके अंदर, जो मैं आपको अलग से और निकाल कर दिखा सकता हूं, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। एक्चुअल में इसको देखा जाए तो ये इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ये ऐसा सर्कल और ये ऐसा सर्कुलर डीएनए, इसको सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं, सर्कुलर डीएनए। और हमारे अंदर डीएनए जो होता है वो होता है लीनियर डीएनए, हम यूकैरियोटिक है, हमारे में डीएनए रहता लीनियर, इनके अंदर रहता सर्कुलर। उसके बिसाइड इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने बोला था प्लास्मिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लास्मिड, इसके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन बोली थी, ये कौन है बोलकर, ये है प्लास्मिड। प्लाज्मिड जो है इसके अंदर भी क्या होता है, जीन का सीक्वेंस होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मतलब खुद का खुद काम करने वाला ऑटोसोमल। जैसे देखो अभी आप सब बच्चे, अभी सपोज आप कल से कुछ काम करना स्टार्ट किए और आप आपके कॉलेज की फीस, खाने की फीस सब आप भर रहे हो, तो आप क्या हो गए, ऑटोनॉमस, खुद का खुद कर रहे हो। तो वैसे क्या होता है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मेन है ये, बट इसके बिसाइड भी और जीन का सीक्वेंस है जो कि खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, मतलब खुद से वापस वैसा ही पार्ट खुद तैयार कर सकता है, तो ये होता है प्लास्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोसोमल, मतलब ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद का खुद रेप्लिकेशन करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और इसके अंदर जीन होते हैं कोल जीन, एफ जीन और रेजिस्टेंट जीन, ऐसा तो ये। और प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही हमको आगे टॉपिक भी आने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी। आज जो ये कोरोना के वैक्सीन बनाना पॉसिबल है ना, उस वैक्सीन को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है, प्लाज्मिड का। अगर प्लाज्मिड नहीं होता तो वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल होता या शायद होता भी नहीं, तो इतना इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है। कैसे बनाते ये देखने के लिए आपको एक साल और साथ में पढ़ना पड़ेगा, तब बताऊंगा आपको वैक्सीन कैसे तैयार होती है, कौन तैयार करता। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो ये मेरा ही काम था, वैक्सीन बनाना, ये करना, तो कैसे बनाते ये सब आगे बोलने वाला हूं क्योंकि है हमको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने देखा था यहां पर मेसोसोम, मेसोसोम जो बैक्टीरिया के बीच में वाली बॉडी उसको बोलते हैं मेसोसोम, जिसका एग्जैक्ट फंक्शन साइंटिस्ट को पता नहीं, बट साइंटिस्ट बिलीव दैट ये क्या क्या करता है, ये रेप्लिकेशन में काम को आएगा। रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, एक चीज से दो चीजें बनाना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेसोसोम काम को आता है। और उसके बाद क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन करता है डॉटर सेल में, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल इक्वल करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्रोमोसोम का डॉटर सेल में, कौन, मेसोसोम।
बैक्टीरिया को एकदम बीच में से कट करता है, इसके लिए काम को आएगा। उसके बाद हमने और दो पार्ट देखे थे, पिला और फिमरी। तो ये सब पार्ट मैं आपको बोल चुका था, यहां पर एक बार बैक्टीरियल सेल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सभी पार्ट मैंने ऑलमोस्ट बोल चुका था आपको, यहां पर सिर्फ एक बार बैक्टीरिया को देख लो, सुंदर सुंदर बैक्टीरिया। हाँ ये देखिए, ये है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको ये पार्ट बोल चुका था, सभी ये सब पार्ट याद है ना। उसके आगे का बोलूंगा, क्योंकि पिला और फिमरी भी मैंने आपको बोल चुका था, ठीक है। ये सब पार्ट में रिवाइज किया हूं अभी, पिला क्या होता है, फिमरी क्या होता है, ये सब पार्ट बोल चुका। अब उसके बाद देखिए, एक एंडोस्पोर नाम का एक कंटेंट है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब इन्हें क्या करता है वो बोलता हूं, देखिए ये समझाता हूं, देखिए या तो इधर बोल देता हूं, एंडोस्पोर। क्लियर करो, जानने में थोड़ा टाइम लगा, तो यहीं पर बोल देता हूं। देखिए कि एंडोस्पोर क्या होता है और इसका फायदा क्या है, ये देखिए। अब आपको पता है कि आपके घर पे जो दूध आता है, देखिए दूध आने के बाद आप क्या करते हो, उसको गर्म करते हो। क्यों गर्म करते हो, क्योंकि उस दूध से इमिडिएटली दही ना बने, आपको दूध से चाय बनाना है, सपोज छोटे बच्चों उनको पिलाना, वॉट एवर, इसके लिए आपको मिल्क काम को आने वाला। तो इसके लिए आप क्या करते हो, मिल्क को हीट करते हो, एक बार दो बार तीन बार। पर अगर आपने हीट नहीं किया तो क्या होगा, या तो जो अगर आप मिल्क का पाउच लिए, तो उस पाउच पर अगर आपने रीड किया तो उसके ऊपर ऑलरेडी लिखे वाला रहता है, क्या लिखे वाला रहता है कि मिल्क इज पाश्चराइज्ड। पाश्चराइजेशन मतलब समझ में आता है, जो भी हमारे पास मिल्क आता है, अगर आप पॉकेट अगर लेते हो वो कैरी बैग का, उसके ऊपर लिखे वाला रहता है पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क। इसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो मिल्क है उसको टेम्परेचर देकर स्टरिलाइज किया है। दो टाइप का, एक रहता है HTST और एक रहता है LTHT। HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ज्यादा टेम्परेचर दिया कम टाइम के लिए। मतलब सपोज टेम्परेचर दिया 70 to 80 degrees लगभग 15 seconds तक, एक्चुअली में बोलते 15 seconds पर थोड़ा ज्यादा देता है, ज्यादा टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मतलब क्या, टेम्परेचर देना एक लगभग 50 degrees तक, और एक 15 minutes के लिए, 15 minutes के लिए। पर इन शॉर्ट हम घर पे दूध लाने के बाद उसको गर्म करते हैं। पर दूध गर्म करने के बाद भी आप एक दिन गर्म करते, दो दिन गर्म करते, कितने दिन तक आप दूध को रख सकते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं। तो इस मिल्क के अंदर क्या होता है हमको पता है, ये बैक्टीरिया LAB। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस बैक्टीरिया में अगर आप हीट दे रहे हो, आपके घर पे जो गैस रहता है वो 100 degrees को अपन कोई भी चीज को टेम्परेचर दिए तो वहां पे वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 100 degrees Celsius टेम्परेचर जब होता है तो चीजें बॉइल होना स्टार्ट हो जाती है और काम करती है। अब क्या हुआ, आप इतना दूध बॉइल करने के बाद भी इस बैक्टीरिया में एक ऐसी चीज है जो इस बैक्टीरिया को +1000 degrees Celsius से लेकर -1000 degrees तक, -100 degrees तक, इतने टेम्परेचर में भी एक उसके अंदर कंटेंट होता है जो सर्वाइव होता है। क्या बोलो, जैसे देखो हम सब है, अभी 97 स्टूडेंट दिख रहे हैं और मेरे को पकड़े 98 है, सपोज हम 100 है, हम सबको एक रूम में बंद किए और टेम्परेचर बढ़ाते गए 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees, क्या होते जाएगा सर्वाइवल मुश्किल होते जाएगा,
हम 30 डिग्री तक अच्छे सर्वाइव होते, 40 डिग्री को भी सर्वाइव होंगे, पर जब 50, 60, 70 टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसके आगे का टेम्परेचर हम टॉलरेट नहीं कर पाते, तो वो एक आइडियल एक टेम्परेचर है, भाई उसके आगे हम नहीं जा सकते। मैक्सिमम आइडियल मतलब तो 25 से 30 डिग्री हमारे लिए आइडियल टेम्परेचर। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो -100 डिग्री सेल्सियस मतलब इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकता है, कोल्ड टेम्परेचर से लेकर +1000 डिग्री। इमेजिन +1000 डिग्री बोले बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव हो सकता है। अब वो सर्वाइव क्यों होते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी चीज है कि जो उनको इस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। वो चीज क्या है, तो उनके अंदर रहता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर रहता है एंडोस्पोर, सभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं रहता, कुछ ही बैक्टीरिया में रहता। अब देखो जैसे हम और कुछ निग्रो है, हम एशिया में रहता है, निग्रो जो वो अफ्रीका में रहता, तो अफ्रीका में ज्यादा हीट रही तो भी वो सर्वाइव होता, उस हीट को अपन सर्वाइव होना मुश्किल जाता। और अमेरिकन है, उनको अगर अपने यहाँ का टेम्परेचर भी उनको दिखा तो वो बोलते बहुत ज्यादा गर्म है, इतना नॉर्मल टेम्परेचर भी, तो मतलब पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा चेंजेस है। वैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया इतने स्ट्रांग है कि वो इस टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर पाते हैं एंडोस्पोर नाम के कंटेंट के वजह से। तो ये एंडोस्पोर क्या है इसके बारे में हमको देखने का, पूरा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, पर ये होता क्या है कुछ नहीं है, शॉर्ट में आपको जानना है। तो देखो यहाँ पर दिए वाला ये दिखा जरा हमको, ये देखो ये एंडोस्पोर, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में, ये स्ट्रक्चर होने की वजह से बैक्टीरिया -100 to +1000 डिग्री को सर्वाइव हो सकता है। तो एंडोस्पोर इज फाउंड बाय प्रोबेबली अपॉन द इंडक्शन बाय एक्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब कंडीशन अच्छी नहीं है तब सर्वाइव होने के लिए। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वी नो व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लास्ट, बैक्टीरिया में से सेल वॉल निकालने के बाद जो पार्ट रहता है वो रहेगा प्रोटोप्लास्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉडी है, तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद जो ड्राई मटेरियल रहेगा वहां पर फूड स्टोर होता है ड्राई मटेरियल के फॉर्म में, एंड रेस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट टू फॉर्म एंडोस्पोर, एंड इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लेयर, एंड इट कैन विदस्टैंड मतलब ये कितने टेम्परेचर को सर्वाइव हो सकता है, +1000 डिग्री से लेकर -100 डिग्री तक। और इसको कुछ भी नहीं होता है पाश्चुराइजेशन के वक्त, पाश्चुराइजेशन मतलब हीटिंग, किसने बोला था पाश्चुराइजेशन टेक्निक, बोली थी लुईस पाश्चर ने, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है लुईस पाश्चर, पर इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब 40 ईयर के लाइफ में, मतलब स्पैन में। वैसे बहुत सारे अच्छे लोगों की डेथ जल्दी होती है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, लुईस पाश्चर है, डॉक्टर राजीव दीक्षित है, तो ऐसा क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे, रेबीज के ऊपर वैक्सीन बनाना, पाश्चराइजेशन करना, वैक्सीनेशन के अंदर भी इनका रोल है। तो अब देखिए एंडोस्पोर रिमार्केबल रेजिस्टेंस शोन बाय एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या करता है देखो, उसके ऊपर थिक और इम्परमिएबल स्पोर कोट है, थिक मतलब जाड़, इम्परमिएबल मतलब क्या, जिसके अंदर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, पानी का कंटेंट कम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, और इसके अंदर कैल्शियम डीपीए, डीपीए मतलब क्या होता है डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड, इसको बोलते हैं डीपीए, डीपीए। तो इन्होंने लुईस पाश्चर ने रेबीज पर वैक्सीन निकाली थी और उनकी डेथ भी रेबीज से ही हुई, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पीपीटी से बाय एक्सीडेंट रेबीज का सलाइवा, मतलब रैबिट डॉग का सलाइवा उनके अंदर चला गया था, तो वो जो वायरस था रेबीज का, रेबीज होता है रैबिड वायरस की वजह से, तो वो उनके अंदर आ गया था। तो अंडर अ फेवरेबल कंडीशन, अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एंडोस्पोर हेल्प करता है, तो एंडोस्पोर वाटर अब्सॉर्ब करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा और काम करेगा आगे। तो ये सब चीजें याद रखिए, और
एंडोस्पोर बैक्टीरिया को हेल्प करता है पेरिनेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, पेरिनेशन में हेल्प करता है। पेरिनेशन का मीनिंग क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं। पेरिनेशन मीन्स टू सर्वाइव ईयर टू ईयर, पेरिनेशन मतलब सर्वाइव ईयर टू ईयर, सालों साल सर्वाइव होने के लिए जो पार्ट लगता है, जैसे हम टॉर्टाइस में देखते हैं ना, उसके ऊपर एकदम थिक शेल है, तो उसके वजह से वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव हो सकता है क्योंकि उसको कोई मारता नहीं। वैसे देखो बैक्टीरिया को नेचुरल डेथ नहीं रहती है। उसके बाद बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ये बोला है तीन टाइप के बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी बोल चुका था मैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन अगर देखा तो हम इसके अंदर मेनली थ्री चीजें देखते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन, और एक होता है कॉन्जुगेशन। ये तीनों चीजें ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, ये देखो बैक्टीरिया में वैसे तो रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल, वो होता है सिंपल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब क्या, कि अगर एक बैक्टीरिया है तो इससे दो तैयार हो जाना, ओमाइटोसिस बोलते इसको। तो अगर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया तैयार हो गए सिंपली, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक ओमाइटोसिस का टाइप है, ये हुआ बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो, फिशन का मतलब होता है टुकड़े होना, बाइनरी फिशन। और ये एक अमाइटोसिस का टाइप है। सेल डिवीजन तीन टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, एक बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन हो सकता है। स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, कल्चर। क्या बोला मैं, अगर एक कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जिसका नाम है डिप्लोकॉकस निमोनी। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आपको क्लास 12th में आने वाला है, पर यहां पर मैं बोलूंगा अच्छे से समझ में आएगा तो आपको वहां पर बहुत इजी जाएगा, क्योंकि वहां पर भी यही चीज है, बेस यही चीज है, एक्सट्रैक्ट यही है, वो पूरा बोलेंगे लास्ट को यही चीज बोलने वाले। ये बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी, ये एक बैक्टीरिया, कौन सा, डिप्लोकोकस निमोनी। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, अब ये बैक्टीरिया कैसा, इसके वजह से निमोनिया होगा। और इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन होता है, दो स्ट्रेन मतलब दो कल्चर, एक होता आर स्ट्रेन और एक होता एस स्ट्रेन। आर का मतलब होता है रफ और एस का मतलब होता है स्मूथ। तो जो आर स्ट्रेन है ना, वो रहती है अविरुलेंट। अविरुलेंट मतलब, अविरुलेंट का मतलब क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक। इससे, ये ऐसे टाइप का बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया तो इससे हमको निमोनिया नहीं होता है, नॉन पैथोजेनिक। समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं। अगर हमारे अंदर डिप्लोकॉकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया है तो उसके दो स्ट्रेन है, एक रहता आर स्ट्रेन, एक रहता एस स्ट्रेन। जैसे ह्यूमन में होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ दुष्ट होता है, कुछ इंडियन होते हैं कुछ पाकिस्तानी होता है। तो मतलब समझ में आ रहा है, कौन से अच्छे कौन से बुरे ना, वैसे। तो ये बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन है, और एस स्ट्रेन मतलब कैसा रहता, विरुलेंट, पैथोजेनिक, जिससे डिसीज हो जाएगा, ठीक है, पैथोजेनिक। अब ये एस स्ट्रेन क्यों पैथोजेनिक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, कैप्सूल। मैंने आपको बोला था, देखो बैक्टीरिया के सेल वॉल क्या मतलब, जो कवरिंग है सबसे बाहर की कवरिंग जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर कैप्सूल रहा तो वो थिक रहता। कैलिक्स, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक रहा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, और कैप्सूल रहा तो वो बैक्टीरिया डिसीज कर सकता है, और कैप्सूल नहीं रहा तो अपन उसको क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, थिन लेयर, जो इन्फेक्शन नहीं करेगी।
तो अब देखिए, अगर ये आर स्ट्रेन का कन्वर्शन यस स्ट्रेन में हुआ या यस स्ट्रेन का कन्वर्शन आर स्ट्रेन में होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? एक स्ट्रेन का कन्वर्शन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट होना। स्ट्रेन का मीनिंग होता है बैक्टीरियल कल्चर, यहां पर ये याद रखिए, स्ट्रेन मींस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन मींस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब जैसे देखिए, आप नॉर्मली आपका एक फ्रेंड है सपोज, या फॉर एग्जांपल सिंपली कि आज से आपने क्या किया, कोई एक अच्छे पर्सन को फॉलो करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, आपने उनके बुक पढ़ना स्टार्ट किया, आप मोटिवेशनल कोट पढ़ते गए, आप अच्छी चीजें देखते गए। ऐसा करते करते जो आज आप हो, एक महीने के बाद आपके अंदर क्या होगा, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आप में। तो मतलब आप क्या हो गए, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। या कोई नॉर्मल बॉय है जिसका एज सपोज 20 ईयर है, उन्हें जिम में गया, ट्रेनर है, और एक साल तक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म। वैसे तो ये समझ में आ गया। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, देखो ये बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया ई कोलाई, ये बैक्टीरिया समझो ई कोलाई। ऊपर का समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये देखो एक्चुअल में मैं आपको सब चीजें यहां पर डिटेल में बोल रहा हूं, मैं इसलिए डिटेल में बोलता हूं, कोई भी एग्जाम आए, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, इसके लिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, एकदम शॉर्ट में नहीं पढ़ाता। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, पर टाइम लगने दो, पर ये जो चीज है, ये जो नॉलेज आप गेन करो, ये आपको आगे बहुत काम को आने वाला है। सभी चीजें ध्यान रखें। ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। संकेत झिमारे बाइसेप दिखाए थे, क्यों बंद कट कर दिए, कोई बात नहीं थे। उसके बाद देखो बैक्टीरिया जो है इक्वल है, अब ये है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मतलब क्या होता है, जो वायरस के ऊपर अटैक करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ये है बैक्टीरियोफाज, दिस इज बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का मीनिंग होता है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। एक्चुअल में देखो ये बैक्टीरिया बड़ा होता है, वायरस बहुत छोटा होता है। तो ये वायरस क्या करता है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब जैसे ये वायरस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस वायरस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये बैक्टीरियोफाज जब इसके ऊपर अटैक करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर, तो इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में जाके बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट होता है और उसको ऊपर अपना कंट्रोल लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्टोरी बोल रहा हूं, उस स्टोरी में देखिए ये दो फ्रेंड है, एक है आबाराव एक है बाबाराव। तो इस आबाराव को बाबाराव की प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसके पास दो ऑप्शन है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस आबाराव को इस बाबाराव की प्रॉपर्टी चाहिए, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि उस बाबाराव को ये बोले कि वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर्टी सपोज का घर है, तो बोलेगा तेरे घर में भूत है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वास्तु अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं। और ये बात अगर बाबाराव को सही लगी तो उसका माइंड क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और आबाराव को बाबाराव की प्रॉपर्टी मिल गई। ये पहला रास्ता है, समझ में आया। दूसरा रास्ता क्या है कि ये आबाराव को बाबाराव की प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए किसी भी शर्त पे, और ये बाबाराव होशियार है, इसको समझना है कि ये जो आबाराव बोल रहा है वो गलत है, तो बाबाराव ने इसको प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया। इस कंडीशन में आबाराव ने क्या किया, इस बाबाराव को खत्म कर दिया, फिनिश मार दिया इसको, और इसकी प्रॉपर्टी ले ली। ये दूसरा रास्ता। तब मुझे बताइए पहला रास्ता और दूसरे रास्ते में क्या फर्क है, अब बताता हूं मैं।
पहला रास्ता जो था वो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। पहला रास्ता क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी का माइंड चेंज करना और जो अपने काम की चीज है वो करा लेना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसडक्शन मतलब क्या? ये बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करके उसके जेनेटिक मटेरियल पे अपना कंट्रोल कर रहा, मतलब दूसरे को मार के। तो ये हो गया ट्रांसडक्शन, नंबर टू केस हो गया ट्रांसडक्शन। अब समझ में आया इस एग्जांपल से क्या बोल रहा था मैं? समझ में आ गया? अच्छा समझ में आया, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड ट्रांसडक्शन। हाँ मैं इस तरह का एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, ध्यान से सुनो, नहीं आप बदमाश है, कुछ जनों कुछ गलत चीज ले लेता है यहां से। मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन समझा रहा हूं, मैं ऐसा कुछ करने को नहीं बोल रहा हूं, हमेशा अच्छा काम करना है। हाँ ये ऐसा नहीं करना किसी की सुपारी देना है कुछ करना, ये ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि किसी का भी कुछ लेना आप चीज रखना इसको ग्रीड बोलते हैं, लालच। और लालच ये बहुत बुरा काम होता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी क्राइम होते हैं उसके अंदर वन ऑफ द सबसे मोस्ट रीजन जो रहता है वो रहता है ग्रीड, लालच, जो कि नहीं रहना चाहिए। जितने भी जेल में लोग हैं उनके अंदर बहुत सारे लोगों का वन ऑफ द रीजन ये है, तो इससे दूर रहना चाहिए। सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला। हाँ अब उसके बाद देखो नंबर थर्ड पॉइंट, कॉन्जुगेशन। नहीं तो बोलोगे आज हमको सुपारी लेना कैसा वो सिखा बोल के, कुछ भी बोलोगे वैसा नहीं करना है हमको। ट्रांसडक्शन याद रखना है, ट्रांसडक्शन बोला था लिटरबर्ग एंड झिंडर, ये दो साइंटिस्ट ने, ठीक है। आपको बोर ना हो इसलिए थोड़ा एंटरटेन कर। हाँ उसके बाद है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? टेक ऑन माइंड नॉन वायलेंस। नहीं नॉन वायलेंस भी हर बार अच्छा नहीं होता, वायलेंस तब होना चाहिए जब आगे वाला सुने ना। सभी जरूरी, पहले शस्त्र यूज करने के लिए पहले शास्त्र पता होना चाहिए, और शास्त्र मतलब साइंस, और साइंस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, तो पहले शास्त्र बाद में शस्त्र। कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन क्या होता है बैक्टीरिया में? ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में दो टाइप रह सकते हैं, एक रहता है एफ पॉजिटिव और एक रहता है एफ नेगेटिव। ये मैं बोल चुका था आपको, एफ पॉजिटिव मतलब मेल बैक्टीरियम और एफ माइनस मतलब फीमेल बैक्टीरियम। तो मेल बैक्टीरियम से फीमेल बैक्टीरियम तक क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जाती है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से क्या होगा, इसमें से इधर से उधर जीन ट्रांसफर होता है। इसके जो जीन्स है ये जीन, ये ऐसा ट्रांसफर होने के लिए ये काम करता है। ये देखिए दिस इज कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब थ्रू विच जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियम। यस सर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ये याद रखिए। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होने में प्लाज्मिड भी हेल्प कर सकता है, प्लाज्मिड में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन को हेल्प करते। या तो अपन ने देखा है पीला है फिमरी, तो हमने देखा था वहां पर पीला है कॉन्जुगेशन में हेल्प करते, तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या याद रखने का है कि इन बैक्टीरिया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। उनके अंदर पूरी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इज अब्सेंट। इसलिए हमने ये तीन चीजें देखी, पर ये तीन चीजें कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये तीनों चीजें हमने देखी थी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने बैक्टीरिया क्या है, एंडोस्पोर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन क्या है, ये चीज हम देख चुके थे। ठीक है, ये देखो ये, उसके बाद ये भी बोला हमने, जो जो चीज काम की पहले वो बोल दूंगा, उसके बाद आगे का बोलता हूं। उसके पहले प्लास्मिड का भी हो चुका था, देखिए एक बार देख लो, क्योंकि आपका कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां से बोलता हूं, देखिए यहां पर देखिए, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोले थे, फोटोलिथोट्रॉप और दूसरा होता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं, देखिए फोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और लिथो का मीनिंग होता है स्टोन, और ट्रॉप का मीनिंग क्या होता है, फीड करना। लिथो का मीनिंग होता है स्टोन, पत्थर, स्टोन, और ट्रॉपिक इस वर्ड का मीनिंग होता है टू फीड, फीड मतलब उसके ऊपर अपन फीडिंग करना। तो जो पत्थर के ऊपर रहता है और सनलाइट लेंगे और अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, उनको बोलेंगे फोटो लिथो ट्रॉप, जिसके अंदर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दो कैटेगरी है। इसके अंदर आएगा बैक्टीरियोप्यूरिन पिगमेंट, यूज इनऑर्गेनिक सल्फर, एग्जाम्पल याद रखना है इसके अंदर, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियोविरिडिन, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल, एग्जाम्पल ये। ठीक है, और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप मतलब कुछ नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, उनके नाम दिए वाले यहाँ पर, तो सिर्फ नाम याद रखने के, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो काम का चीज होगा वो मैं ज्यादा बोलूंगा, जो काम का नहीं है उतना अपन आगे बढ़ते जाए। रेस्पिरेशन देखिए दो टाइप का, रेस्पिरेशन मतलब क्या है, तो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं इसको एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाने के बाद हमने जो खाना खाया उसके अंदर के फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होना ऑक्सीजन के हेल्प से और एनर्जी रिलीज होना, उसको भी रेस्पिरेशन बोलते हैं, पर उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दोनों चीजें याद रखें, यहां पर बोल लेता हूं। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये मेनली दो टाइप का होता है, एक होता एरोबिक और एक होता अनएरोबिक। तो बैक्टीरिया भी यहां पर दो टाइप के हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए एरोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है अनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक का मीनिंग क्या होता है, एरो का मीनिंग होता है एयर, ऑक्सीजन, इसका मीनिंग होता है एयर, मतलब ही ऑक्सीजन। तो जो बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जिनको ऑक्सीजन लगता है उनको बोलते हैं एरोबिक, और जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता है, बिना ऑक्सीजन के ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं अनएरोबिक। अन मतलब अब्सेंट, कौन अब्सेंट, इनको एयर की जरूरत नहीं, मतलब ही ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, मतलब ये क्या हो रहे, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये क्या है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, करेक्ट, एरोबिक अनएरोबिक, वेरी गुड, सभी रिप्लाई दे रहे हैं, साई, श्रुति, गौरवी, करण, रिया, साक्षी, श्वेता, गायत्री, संकेत। अब इसके अंदर दो टाइप रह गया, एरोबिक में दो टाइप रहता है, अब इसके अंदर दो टाइप कौन से, देखिए एक रहता ऑब्लिगेट एरोब,
ऑब्लिगेट एरोबिक और एक रहता फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मीनिंग बहुत सिंपल है। अब ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया कि जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, उनको चाहिए चाहिए ऑक्सीजन कंपल्सरी फिक्स। ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है कंपल्सरी, और एक इसका मीनिंग क्या होता है मैंडेटरी, लगेगा ही लगेगा, उसके सिवा ये रह ही नहीं सकता। और फैकल्टेटिव मतलब क्या, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया है कि जिनको ऑक्सीजन तो चाहिए पर ऑक्सीजन अगर नहीं रहा टेम्पररी तो भी सर्वाइव होते हैं, तो इनके लिए ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी, ऑक्सीजन नॉट नेसेसरी ऑल टाइम, जरूरी नहीं कि सब टाइम ऑल टाइम ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन टेम्पररी अनअवेलेबल है तो भी ये सर्वाइव हो सकते हैं, इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव। मतलब समझ में आ गया, फैकल्टेटिव मतलब टेम्पररी, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव हो सकते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर ऐसा नहीं लॉन्ग टाइम तक इनको ऑक्सीजन मिला ही नहीं और ये सर्वाइव हो रहे, ऐसा नहीं। एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव, और अगर लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भी सर्वाइव हो रहा है, तो उस बैक्टीरिया को एनारोबिक की कैटेगरी में डालेंगे। समझ में आ गया, एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वेरी गुड संकेत, बहुत अच्छी बात बोली आपने, एक्सरसाइज करने के बाद भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, करेक्ट है। या सिंपली देखो आप कहीं पर बैठे, आपके पीछे कुत्ता पीछे लगा, आपके पीछे डॉग लगा, तो आप क्या करोगे, आप उससे ज्यादा स्पीड से भागते, पीछे देखते भी नहीं कहां पे उन्हें, फिर थोड़ी देर भागने के बाद आप चुपचाप बैठोगे एक जगह, फिर देखोगे है पीछे की नहीं है, वो नहीं रहा था, आप चुपचाप बैठोगे, फिर उस समय क्या होता है, आपने ज्यादा रनिंग करने की वजह से आप जो भी ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हो वो आपके अपर बॉडी को ही ज्यादा मिल रहा है, आपके पैर तक नहीं पहुंच पाया, तो जब आपके लेग में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाया, उसको पहुंचने को टाइम लग रहा है, उस समय आपके लेग के अंदर जो मसल्स है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये फिर बाद में एरोबिक होता है, तो ये समझ में आ गया। और सेम ऐसी चीज हमको यहां पर बोलने की, कहां पर, एनारोबिक में, एनारोबिक में भी ऐसा ही बोलने का, कौन सा, फैकल्टेटिव एनारोब और एक हो गया ऑब्लिगेट एनारोब। तो ऑब्लिगेट एनारोब मतलब क्या, कंपल्सरी बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव होने वाले बैक्टीरिया, और फैकल्टेटिव मतलब क्या, एनारोबिक ही बैक्टीरिया पर टेम्पररी ऑक्सीजन मिला तो भी सर्वाइव हो सकता है, तो वो जी समझ में आ गया होगा आपका जी। था उसके बाद देखिए आपको मैं प्लाज्मिड के बारे में सब कुछ बोल चुका, देखो प्लाज्मिड का भी याद रखे, मैं ढूंढ रहा था क्योंकि प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर ये बोल चुका था मैं आपको। आपको पता हमारे बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, हमारे नहीं, हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म मेल में, और फीमेल में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है जिसका नाम होता है एग। तो अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी जो सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकम की, और ये है वो माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकम, ये नाम बोला था मैंने आपको, एक मिनट, हेलो, हाँ, अच्छा वैसा लिख के भेजता हूँ मैं आपको, हाँ हाँ
ठीक है, वो टेक्स्ट बुक के लिस्ट भेज देता हूँ मैं आपको। तो कब तक आ रहा फिर आपका आदमी कब? हाँ सुबह आप 7 बजे बोले थे, आप देखो आए। हाँ ठीक है भेजो, बात कर लेता हूँ। हाँ माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, नाम पता होगा आपको, समझ में आया सब? हाँ माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जोकर मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है जोकर के जैसा ड्रेस पहन के सर्कस में जाता, ऐसा नहीं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है बताता ये जो माइकोप्लाज्म है ना, ये प्लांट को अलग अलग डिसीज करता है, और ये कहां कहां पर मिलता है वो बताता हूं। देखिए माइकोप्लाज्म, ये माइको का मीनिंग होता है फंगस और प्लाज्म का मीनिंग होता है लिक्विड। तो ये नंबर ऑफ डिसीजेस करता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर और ह्यूमन के अंदर। देखो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर यूरेथ्रा अलग होता है, क्योंकि मेल के अंदर जहां से यूरिन पास होती है वहीं से स्पर्म भी पास होता है, तो यूरिनोजेनिटल ऑर्गन बोलते हैं मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर यूरिन और यूरिन पास और फॉर रिप्रोडक्शन दो अलग ओपनिंग है। तो जो जहां से यूरिन पास होती है वो जो ट्रैक है यूरिनोजेनिटल ट्रैक है वहां पर भी इंफेक्शन करता है ये माइकोप्लाज्म। हाँ बैक्टीरिया विथ इट्स कोट ऑफ, करेक्ट, वेरी गुड प्रतिमा, अच्छे से बोला। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है इसको सेल वॉल नहीं होती है, कवरिंग नहीं होती है, तो ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक के ऊपर इंफेक्शन कर सकता है। ये प्लियोमर्फिक है। अब प्लियोमर्फिक का मीनिंग क्या होता है बोलता हूं, प्लियोमर्फिक मतलब जो फॉर्म अपना चेंज कर सकता है। दे कैन चेंज देयर फॉर्म, हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। अलग अलग फॉर्म क्यों होता है वो आप देख रहे हैं, कुछ मूवी देखोगे धूम 3, हाँ उसके अंदर एक विलन है जो अलग अलग अपना फॉर्म चेंज करके चोरी करता है। तो मतलब समझ में आ गया, पर्सन एक है पर उसने अपने अलग अलग रूप बनाए, तो वैसे ही ये क्या करता है, माइकोप्लाज्म भी अलग अलग फॉर्म चेंज कर सकता है। मतलब कभी स्पेरिकल रहेगा, कभी ओवल रहेगा, कभी रॉड शेप रहेगा। तो ये डिफरेंट फॉर्म चेंज करने वाले को बोलते हैं प्लियोमर्फिक। प्लियोमर्फिक मीन्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलता है, जोकर तो सुंदर दिखता है पर ये तो बदमाश है क्योंकि इससे डिसीज हो रहा है। तो इन ह्यूमन बींग हमारे में माइकोप्लाज्म कॉजेस प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया होता है। कुछ ह्यूमन के अंदर इनफर्टिलिटी होना मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होना, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है ये माइकोप्लाज्म। मतलब देखो इसको इन्फेक्शन करना बहुत पसंद है, लोगों को परेशान करना ये इसकी हैबिट है, इसको बहुत अच्छा लगता है। इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन इन जेनेटिक, इन्फ्लामेशन का मीनिंग होता है रेड हॉट स्वेलिंग पेन। यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, रेड हॉट स्वेलिंग पेन। जैसा देखो आप स्कूल में कभी आपको टीचर ने छड़ी मारी कि नहीं हाथ पे, छड़ी लागे छम छम विद्या घम घम, है ना? कभी आपको हाथ पे छड़ी मारी होगी टीचर ने, मतलब लकड़ी से, तो आपको पहले वहां पे आपको सुंदर लगता है। देखो पहले हॉट होता है, बाद में रेड होता है, बाद में स्वेलिंग होती है और बाद में पेन होता है। तो जहां पे भी रेड हॉट स्वेलिंग और पेन ये चारों चीजें होती है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो जो जेनिटल ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर इन्फ्लामेशन इस माइक्रोब के वजह से होता है। तो इन्फ्लामेशन का मीनिंग याद रखिए, रेड हॉट स्वेलिंग पेन। हाँ उसके बाद देखिए माइकोप्लाज्म निमोनी कॉजेस प्राइमरी और टिपिकल निमोनिया। निमोनिया मतलब लंग का इंफेक्शन जो इस कोरोना वायरस में भी होता है, तो वैसा। फिर उसके बाद अर्थराइटिस, ये देखो बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर ये वर्ड आता है ना ITIS, तो इसका मीनिंग हमेशा यही होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन का मीनिंग मैं अभी बोला आपको, रेड हॉट स्वेलिंग पेन, ये चारों चीजें। तो ऑर्थो का मीनिंग होता है जॉइंट,
जॉइंट दुखना, जॉइंट के ऊपर पेन होना, ये भी इसी के वजह से होता है। तो इसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोले वाला है। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म मतलब सांधिवात, सांधिवात मतलब पता ना वो, आप अगर कहीं पर बैठे पाया तो मुंगिया जिन्हें बोलते ना वो ऐसा होता, देखो मुझे भी होता है, कहीं पर खाना खाने के लिए वो पंगत होती है ना, उसमें बैठे तो अब खाना तो हो गया पर उसके बाद उठने को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो पैर होते पैर छुक हो जाता है, पैरों में मुंगे आना मतलब पैर हलता ही नहीं, ब्लॉक हो जाता है, वो पाया तो मुंगे आए नहीं, तो वो वैसा होता है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म में पर ज्यादा होता है, जॉइंट जहां पर है वहां पर ज्यादा पेन होता है। हाँ, वो वेंस ब्लॉक होते, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए दे आर ऑल्सो कॉज बाय माइकोप्लाज्मा, तो इसके वजह से होगा। एन इंपॉर्टेंट डिसीज कॉज बाय माइकोप्लाज्म, अब प्लांट के अंदर ये डिसीज करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्लोवर डॉट, बंची टॉप ऑफ पपाया, मेज स्टंट, मलबेरी डॉट, एस्ट्रो येलो, पोटैटो विच, तो ये ऐसे टाइप के डिसीज, मतलब देखो लीफ को डैमेज कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखिए। दिख रहा है? अब अगर इसने लीफ को इस तरह से डैमेज किया तो लीफ तो फोटोसिंथेसिस करती है, फूड सिंथेसाइज करता है, अगर ये लीफ को ही खराब करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड तैयार नहीं होगा, फूड तैयार नहीं हुआ तो ये पोटैटो का प्लांट है, पोटैटो तैयार नहीं होगा, पोटैटो तैयार नहीं हुआ तो पोटैटो का चिप्स कहाँ से मिलेगा, समोसा कहाँ से मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए इसका इन्फेक्शन की स्टडी करना जरूरी है और फिर उसके ऊपर अल्टरनेटिव निकालने की। और ये बाकी लिस्ट ऑफ कॉमन प्लांट डिसीज, गंज लगे जैसा दिख रहा है ये लीफ के ऊपर, यहां पर किसके वजह से, माइकोप्लाज्म के वजह से। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक्टिनोमाइसेट्स, ये बैक्टीरिया किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, इन्होंने भी मानव जाति पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्यों एहसान किया है? क्योंकि किसी की भी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसके बाद उस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है। और कुछ सर्जरी, सिट्रस कैंकर मतलब प्राची, एक सिट्रस जो होता है आपका, सिट्रस मंजे का माहित है, आवला, जो आवला रहता ना, आवला को हिंदी में क्या बोलते, तो वो जो आवला है उसका जो फ्रूट रहता है उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट आता है, जैसा भी मैंने पीछे के स्लाइड में दिखाया था, तो वैसा। अरे पेपर डिस्कशन रह गया, पेपर डिस्कशन अपन कल पेपर डिस्कशन लेंगे, या अभी टाइम कम है, देखिए 10 मिनट है, एक मिनट में देख लेता हूँ, पेपर अगर होगा तो पेपर डिस्कशन करना है क्या, अभी बोलो, अभी करूँ या कल करूँ, मेरे को रिप्लाई दो अभी कमेंट में, देखता हूँ। अभी पेपर डिस्कशन पहले याद दिलाना था, क्योंकि कंटिन्यूस क्लास थे ना, तो इसलिए मैं भूल गया, और आप अभी याद दिलाए राज। हाँ, वैसे देखो अपना 3 दिन क्लास है, बाकी के 3 दिन मैं आपका और रिवीजन ले सकता हूँ, जिसके अंदर आप ले सकता। हाँ ओके, टुमारो चलेगा ना विक्रम सिंह? हाँ, अब स्नेहा से टेलिंग टेक राइट नाउ, 15 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि कैसा मैं हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आपका हो जाएगा कुछ। चलो अभी बोले रुको, तो फिर मेरे को देखने दो पहले, वो पेपर देखना पड़ेगा ना, पेपर किधर गया, क्लास 11th में पहले पेपर तो ढूंढना पड़ता मेरे को, पेपर कहाँ पे, रुको देखेंगे। हाँ अभी चलेगा, कुछ भी कभी भी चलेगा, ठीक है अभी देखता हूं मैं होता है क्या, 1-2 मिनट रुकिए। ना ये देखिए कुछ जनों बोले भाई अभी अभी लेने का, कुछ बोले यार कभी ले भी लो, कुछ बोल रहे कल ले लो। हाँ अभी लेता हूं, पर पहले मेरे को वो पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा ना, एक मिनट
पहले पेपर डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो आपको दिखाने आएगा मुझे। थोड़ा पहले बोलते चलता, क्योंकि अभी देखो 10:02 हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, पहले एक्टिनोमाइसिट कंप्लीट करेंगे, ये सही है, उसके बाद देखेंगे उसको, कल देख लेंगे। देख ठीक है, ये देखो एक्टिनोमाइसिट्स, क्या बोला था मैं, ये जो बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसिट्स नाम का जो बैक्टीरिया है, इससे क्या होता है एंटीबायोटिक तैयार होने के लिए काम को आता है। एक्टिनो, एक्टिनो इस वर्ड का मीनिंग होता है रेस, रे 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 मतलब किरण, माइसेट मतलब फंगाई, फंगाई के जैसे, तो वैसे दिखते ही। दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस मतलब हेयर लाइक, हेयर लाइक, अपने जो हेयर्स होते हैं, अब मेरा टकलू गिर रहा है तो यहाँ पे नहीं बढ़े, आपको जैसे लंबे हेयर होते हैं, देखो आपके ये जो हेयर्स है ना, इनको बोलते हैं फिलामेंटस, मतलब हेयर लाइक। या पहले वो बल्ब आता था, देखो बाहर लगाते थे ना येल्लो कलर का, थोड़ा उसके अंदर फिलामेंट रहता है, बल्ब शार्ट झाला बोले तो वो फिलामेंट काम नहीं करता, तो फिलामेंट का मतलब समझ में आ गया आपको, हेयर लाइक, हेयर लाइक बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं मोल्ड्स और फंगाई, ठीक है, उसके जैसे होते हैं ना, इसको फंगस नहीं बोलने का, ये फंगस के जैसे होते हैं। इवनिंग लेता हूँ करण, पर आप आओगे नहीं आओगे ऐसा होता। मैं क्या सोच रहा हूँ करण, कि कुछ क्वेश्चन होने दो, मतलब कुछ एक सिलेबस होने दो अपना अच्छे से, इस वीक में हो जाता तो फिर उसके आगे और क्वेश्चन लेते जाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिए थे। अब ये है कि आप, आपका स्टार्टिंग और मैंने आपको डिटेल में मैटर बोला, शॉर्ट में नहीं बोला, शॉर्ट में बोला तभी तक अपना टॉपिक खत्म हो जाता था ये, तो जैसे होता वैसे बोलते जाता मैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, दीज आर जनरली प्रेजेंट एज डीकम्पोजर, डीकम्पोजर मतलब हमको पता है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, उसमें कन्वर्ट करता, ठीक है। की भेजे वाली स्नेहा, की इज ऑलरेडी सेंट ऑन द लिंक, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी की भेजे वाली है, ठीक है। लाइन टू लाइन का, हाँ ऋतुराज वो भी लेता हूँ, वो इवनिंग में लूंगा ऋतुराज। अच्छा, वो आपको जो भी इश्यू होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो आप कमेंट में टाइप कीजिए, मैं देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी दूंगा। उसके बाद देखो, दे आर रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय मींस ऑफ कोनिडिया, असेक्सुअली कोनिडिया तैयार करते हैं। कोनिडिया मतलब क्या होता है, कि जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया मतलब ऐसे स्पोर है जो नॉन मोटाइल स्पोर होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम करता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस सीक्रेट अ केमिकल सब्सटेंस हैविंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स दिखाई दे रहे हमको, कौन, एक्टिनोमाइसिट्स, इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, मतलब ये बिना काम के माइक्रोब को ये मार सकते हैं, इसलिए इनसे क्या तैयार होता है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं हम, वॉन्डर ड्रग, इसने लाखों लोगों की लाइफ बचाई है, लाखों लोगों को पेन से रिलीव किया, इसलिए ये ड्रग बहुत काम की, इसको बोलते हैं वॉन्डर ड्रग। तो ये तैयार करने में कौन हेल्प करेगा, एक्टिनोमाइसिट्स। लाइन टू लाइन बुक रीडिंग भी लेता हूं, ओके संकेत, डेफिनेटली लूंगा, अगर मेरे को जमा तो मैं आपको इवनिंग में लिंक भेजूंगा, आज या कल देखते कैसा होता है, ठीक है, वैसा करेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि कल कोई बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसिस सीक्रेट स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का नाम है, नियोमाइसिन है। आपको कभी भी जख्म हो जाती है, गिर गए कहां पर, मार लगा, तो वहां पर नियोमाइसिन नाम का एक क्रीम लगाते आप, वो इसी से बनता है। क्लोरोमाइसिटिन है, टेरामाइसिन है, यूरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, कॉक्सिसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिलिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक है। आपको आंखों में इन्फेक्शन हुआ तो हम जेंटामाइसिन का ड्रॉप डालते हैं। हाथों पे मार लगा तो एक तो नियोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सोफ्रामाइसिन ये यूज करते हैं। क्लिंडामाइसिन जनरली पिंपल्स के लिए यूज करता है, मुंह पर पिंपल्स अगर आ रहे तो उसके लिए क्लिंडामाइसिन को यूज कर सकता है। तो ये सब एंटीबायोटिक है जिनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये देखो यहां पर और मैंने रिपीट ऐड किया है, दिखने को कैसे दिखते, ये ब्रांच्ड फिलामेंटस हेयर लाइक एंड कंसिडर्ड एज
इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट मतलब बीच में की अवस्था बिटवीन बैक्टीरिया और फंगाई, इन दोनों के बीच में वाला कनेक्टिंग लिंक है। एग्जाम्पल दिए नोकार्डिया, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम पता ना आपको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम सोफ्रामाइसिन करण। सोफ्रामाइसिन नाम का एक क्रीम मिलता व्हाइट कलर का होता, वो भी अगर कभी मार लगा तो उसके ऊपर यूज करते हैं। उसके बाद कॉर्निबैक्टीरियम फ्रैंकिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है फ्रैंकिया, और स्ट्रेप्टोमाइसिस। फिलामेंट फॉर्म रेडिएटिंग कॉलोनी। रेडिएटिंग कॉलोनी मतलब क्या, रेडिएटिंग मतलब सन के रेस के जैसा, सन के जो रेस निकलते हैं वैसा। तो इनको माइसिलियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। माइसिलियम मतलब बॉडी ऑफ फंगस, फंगस के जैसा दिखता है। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये है कोनिडियोफोर और वहां से तैयार होता है कोनिडिया, और ये जो कोनिडिया है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये स्पोर इस बैक्टीरिया से निकल के जब एयर में जाता है, तो एयर में जाने के बाद ये जहां पर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के लिए इनको पानी बहुत जरूरी है, बिना पानी की ये ग्रो नहीं होते। तो और फिर उससे न्यू प्लांट तैयार होगा, किससे, कोनिडिया से। सेल वॉल कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकन, इनके सेल वॉल में रहेगा पेप्टिडोग्लाइकन, और ये रहेंगे ग्राम पॉजिटिव इन नेचर, ग्राम पॉजिटिव, एंड कंटेंट माइकोलिक एसिड। दीज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। अभी मैंने आपको मीनिंग बोला, देखो फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या होता है बोलो एक बार कमेंट में, फैकल्टेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है बोलो। अरे बच्चे कम क्यों हुए, 100 थे अभी 79 दिखे, बीच में कम कैसे, मैं क्या लोरी सुनाता क्या तुमको, सो जाते बीच में ही। वाह वाह, संकेत में देखो एंटीबायोटिक के नाम लिख के टाइप के, गुड। उसके बाद देखिए सैप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग पार्ट पर जो डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। ये बोला मैंने आपको डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग पार्ट पे जो डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। इतने सुंदर सुंदर बैक्टीरिया लोगों की जान बचा रहे और ये गायब हो रहे। तुम ऐसा ही करोगे क्या रे, डॉक्टर बन गए, पेशेंट आया तुम्हारे पास, तुम भाग गए, नहीं मेरे को नींद आ रही बोल के, ऐसा नहीं करने का है, स्टडी करो। आप सब यंग बच्चे हैं, एक्टिव हो, पूरा अपना जितनी भी एनर्जी स्टडी में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, इसका फूड बहुत अच्छा आएगा आगे। कभी भी गायब होते, कभी भी आते। हाँ, ये शॉर्ट टाइम के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है, देखो कि जो डेड एंड डीकिंग प्लांट के पार्ट पर ग्रो करेंगे, डीकिंग प्लांट पार्ट इसके ऊपर ग्रो कर, इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रो मतलब डेड एंड डीकिंग। उसके बाद नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब समझ में आ गया, मूवमेंट नहीं करता। इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब देखो इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इन्हें मेडिसिन भी बना रहे, उसके बाद जो डेड एंड डीकम्पोजिंग प्लांट का जो भी पार्ट जमीन पे गिरता है उसको डीकम्पोज करने में हेल्प कर रहा है। रिप्रोडक्शन होता है इनका कुरिडिया से, या तो स्पोरांचियो स्पोर, स्पोर होते हैं कुरिडिया, या फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन पता अपने को, आपको दिखा देता हूँ मैं। एंड दे आर एसिड फास्ट नेचर। एसिड फास्ट मतलब एसिड की जो डाई होती है उससे इनका स्टेनिंग होता है। एक बार दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको ये कोनिडिया दिखा। कोनिडिया से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या तो स्पोरांजियोस्पोर से होता है, या तो ओइडिया फॉर्मेशन से होता है, या तो यहाँ पर दिख रहे देखो हमको फ्रैगमेंट इससे गिर रहे, फ्रैगमेंटेशन। तो ये भी याद रखने का, फ्रैगमेंटेशन क्या रहता है। नो मूवमेंट मीन्स नॉन मोटाइल, करेक्ट गायत्री। मोटाइल का मतलब होता है मोबाइल, मोबाइल मतलब घूमने वाला, और नॉन मोटाइल मतलब नॉन मोबाइल, जो मूवमेंट नहीं दिखाता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं, इसको देख के ये कौन है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या बोले वो बोल सकते हैं आप। बोलो एक बार, ये कौन है, ये एक्टिनोमाइसेट है, इसको रे फंगस के जैसा बोलते हैं, ये बैक्टीरिया पर फंगस के जैसा दिखता है,
मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई। दिखने को कैसा दिख रहा है हमको, हेयर लाइक दिख रहा है, फिलामेंटस ब्रांच्ड माइसिलियल बॉडी। उसके बाद इन्हें क्या तैयार करता है, एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सैप्रोफाइट है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन किससे होता है, कोनिडिया। उसके बाद ये कोनिडिया दिखा यहाँ पर, ये कोनिडिया, उसके बाद ये उइडा, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर, ये चार नेम। उसके बाद मैंने बोला कि दे आर एसिड फास्ट इन नेचर, मतलब एसिडिक से एसिडिक स्टेन से इनको स्टेनिंग होती है। उसके बाद कहां पर ग्रोंगे, जहां पर पानी ज्यादा रहता है वहां पर ये ग्रो होता है, कौन, एक्टिनोमाइसेट्स। ये नाम याद रखिए इनका, एक्टिनोमाइसेट एंटीबायोटिक तैयार करता है, ये आपको एमसीक्यू में भी आएगा। तो ये सब चीजें याद रखने का इनके कैरेक्टर, ब्रांचड एंड फिलामेंटस, गुड, जो जो याद आता है वो सब बोलने का। ये देखो एक्टिनोमाइसेट से कौन कौन से ड्रग तैयार हो रहे हैं, यहां पर एक पूरी लिस्ट ही दी वाली, 100 से ज्यादा एंटीबायोटिक तैयार करता है ये, मोर देन 100 एंटीबायोटिक तैयार करेगा, जिनको मेडिसिन बोलकर यूज करते हैं हम। यहाँ पर नाम दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, वायोमाइसिन, नोवाबोसिन, निस्टाटिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, और इनका ये सोर्स दिए वाला, ये सब एक्टिव है एक्टिनोमाइसिट्स बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया से ये ड्रग तैयार होते हैं इधर साइड में। आप मेडिकल में कोई भी अगर एंटीबायोटिक देखते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक का नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया यूज किए वाला है। आपको जब इंजेक्शन भी देते हैं, पाउडर होता है उसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हैं, फिर उसको लिक्विड बनाते हैं और आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो पाउडर एक्चुअल में बैक्टीरिया का होता है, और वो लाखों लोगों की जान बचाता है। मतलब कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, गिरते वक्त रोड पर घसरते हुए गया, उसकी बॉडी थोड़ी सी छिल गई और अंदर मिट्टी गई, उस मिट्टी के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया उस पर्सन में चले जाएंगे, वैसे में उस पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये एक्टिनोमाइसिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही उस टाइप की ड्रग तैयार कर रहे जिससे एंटीबायोटिक तैयार हो, और ये एंटीबायोटिक जब उस पर्सन में इंट्रोड्यूस करेंगे हम, तो उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद फ्रांकिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम को आता है। उसके बाद जब भी देखो, अभी रेनी सीजन है, अभी अगर आप कभी खेत में बैठे शेतात, तो कभी कभी हमको एक अच्छा स्मेल आता है सॉइल का, वो स्मेल भी हमको इसी के वजह से आता है, नोकॉर्डिया, माइक्रोमोनोस्पोरा और स्ट्रेप्टोमाइसिस। खेत में बैठकर देखिए आप, कभी जब बारिश गिर रही है, पहली बारिश हो रही है, तो प्लांट जो होते हैं सॉइल, उनके रूट, उनका बहुत अच्छा स्मेल आता है, हमको अच्छी सुगंध आती है, वो इसके वजह से। तो अभी का क्लास हम खत्म करेंगे विथ सुगंध स्मेल, हाँ, और वो भी बहुत अच्छी, ओके। तो बाय एवरीवन, समझ में आ गया आज को सबको, सबको समझ में आ गया ये डिसलाइक वाले कौन है। कुछ जनों को बैक्टीरिया पसंद नहीं आया इसलिए डिसलाइक बटन प्रेस किया है, किस किस को बैक्टीरिया अच्छा लगा लाइक के ऊपर दबाना छोड़ के डिसलाइक के ऊपर दबाए। ओके बाय एवरीवन, तो कल ले लेंगे हम क्वेश्चन, और उसके बाद वो लाइन टू लाइन भी बोलूंगा मैं आपको। गुड, वाह, थैंक यू, ऑल क्लियर, गुड। प्रथमा, अनुष्का, गायत्री, करण, स्वरा, स्वराली, संकेत, वैष्णवी, साक्षी, श्रद्धा, साहिल, स्नेहा, स्वराली, ऋषि, देशमुख, राज, प्रांचल, विक्रम सिंह, सानिका, प्रथमेश, अनुष्का, गायत्री, करण, साहिल, श्रुति, जाधव, कृष्णा, श्रेया, श्रेया, साई, रिया, स्नेहल, पाची, अनम, ऋतुराज, हेमा, स्नेहल, प्राजक्ता, आरती, मिथिला, साक्षी, प्रांजल, वैष्णवी, सानिका, राज, श्रावणी, श्रेया, गायत्री, थैंक यू गायत्री, आपके ऐसे फीडबैक की वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको बोला जाए वो सब अच्छा है, वो तो नॉलेज है, और कभी भी लाइफ में ग्रेट बनना है तो एवरीडे यू शुड हैव टू अक्वायर नॉलेज।
नॉलेज लेना जरूरी है। हेलो लिस्ट भेज दो क्या? हाँ वो टाइप करता, मेरा क्लास था इसलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो वैसे मैं डायरेक्ट भेज सकता। हाँ तो फिर वैसा करो आप, अभी अभी भेज रहा, अभी एक सेकंड में भेज रहा आपको। ठीक है 2 मिनट। थैंक यू, ये ऐसा अच्छा फीडबैक रहा तो अच्छा लगता, मतलब क्योंकि आपके लिए भी मैं यानी कि 100% पूरा करता मैं, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रायोरिटी, सबसे पहली मेरा प्रायोरिटी आप ही है कि आपको अच्छे से नॉलेज डिलीवर हो और अच्छे से आपको नॉलेज देना। क्या करना तेरा क्लास, 11 बजे क्लास तेरा। दिलीप कुमार का डेथ हो गया, ज्येष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार यांची निधन। अच्छा ठीक है, रुकना रुकना, वहां पे हाथ नहीं लगाना बेटा, वहां पे वो फ्लैश है ना। चलो किधर गया,
11 बजे क्लास होगा तो लैपटॉप से ज्वाइन करेगा ना? नहीं, मोबाइल से ज्वाइन करूंगा, बेंटन के टेबल पे आज। बेंटन का टेबल? वो कवर दे दो, पेन का कवर दो। खुलू क्या दरवाजा?